कौन सीमा बोले वाला? हाँ वही वही। आपको बड़ा याद कर रहे थे कालीचरण जी। अरे जिगरी आप ना छोटे, कॉलेज और स्कूल के जमाने बड़ी मस्तियां की हमने। अच्छा? कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, रामपति नाम की। कि कालीचरण मरता था और वो घास भी नहीं डालती थी इसे। वो मुझे प्यार करती थी, बताया तुझे। लेकिन सेठ जी जब वो कालीचरण यहाँ आए थे तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। क्या बता रहा था वो? वो तो ये कह रहे थे कि रामपति जो थी वो तुम्हें बिल्कुल घास ना डालती थी, उल्टा तुम्हें चप्पलों से पीटती थी। सची है छोटे? हाँ। रामपति मुझे प्यार करती थी। अच्छा। और उसने मनी मन ना अपना पति मान लिया था मुझे। हर पौष पूर्णिमा को मेरे नाम का व्रत रखती थी मेरी लंबी उम्र के लिए। और सुबह और मैं कड़ाके की ठंड में जमुना के शीतल जल में मेरे नाम की डुबकी लगाती थी। सेठ जी, लेकिन पौष पूर्णिमा तो बिल्कुल आ गई ना नजदीक, दो चार दिन में है। हाँ कल परसों में ही है। ये बता सेठ जी, सेठानी ने व्रत रखा क्या तुम्हारे लिए? अरे मजा ना मालूम, मेरी बातचीत बंद है उससे। पता कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, सेठानी ने व्रत रखा कि नहीं रखा, कहीं किसी और के लिए तो नहीं अपना। जल्दी जा। जी जाजी। इलायची जी। गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, कुछ चलने का देती हैं आप, कुछ चलता है तो आप आ जाती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस रियाज चल रहा है। अच्छा रियाज चल रहा है, तो मैंने आपकी कौन सी जबान पे पैर दे रखे हैं? कीजिए ना। क्यों भाभी? हाँ जी हाँ जी। अबे चुप बे। मेरा मतलब चुप रहो बुबू। सुनिए जी जाजी, मुझे ना गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल हो रहा है, खिला दीजिए ना। मैं अब गोलगप्पे कहाँ से लाऊं इलायची जी, सुबह घर पे खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, चलो ना बाहर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्यों भाभी? हाँ जी हाँ जी। चुप है, चुप रहो बुबू। जीजा जी करीब में, चलो ना प्लीज। इलायची जी हम नहीं जा सकते। चलिए ना, मेरा भी मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। अगर इतना मन कर रहा है तो अपने मन को मन में रखें। इलायची जी हमें जाना है। क्या चल ले आया करू? अच्छी, अच्छी। देख नहीं रहे हो, छीके आ रही है, सर्दी हो गई है। अरे पहाड़ तो हो, एक बात बता, पहाड़ पे बर्फ जमने से पहाड़ को कभी सर्दी लगी है क्या? बोल क्या मतलब, मैं पहाड़ हूँ? अरे तेरी जैसी भारी भरकम औरत पहाड़ से कम होती है क्या? जब मैं तुझे भगा के लाया था तो मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार पता है क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? यही कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इसे मैं क्या समझूं, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तारीफ ही समझ ले वरना खाम का हर्ट हो जाएगी। ओहो उतार देना इसे, बन गई होगी। हाँ ठीक है, इसको मैं तारीफ समझ लेती हूँ, लेकिन आज ये चमचागिरी क्यों हो रही है? देख पौष पूर्णिमा आने वाली है, तू जमुना जी का व्रत रखेगी ना? बहुत ठंडी है, इतनी सर्दी में कोई व्रत रखेगा? अरे अपने पति की सलामती के लिए रख लियो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और तुम्हारी सलामती के चक्कर में अगर मैं टाइम बोल गई तो? इतनी जल्दी टाइम बोलने वाली नहीं है तुम, तेरे जैसी भौकाल औरतों को ऊपर वाला इतनी जल्दी ऊपर नहीं बुलाता। टाइम बोल गई, तुझे टाइम बोल लिया यार, चुप हो जा। क्या बोला तुमने? हाँ नहीं, मैंने कहा कि तेरी जैसी औरतें सदियों तक इस धरती पर बोझ बनी रहती हैं। अरे सुन तो, अरे करू तू तो बुरा मान गई, करू सुनो तो। देखो तुमको व्रत रखवाना है कि नहीं? हाँ रखवाना है। हाँ तो फिर अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं सोचूंगी कि व्रत रखना है कि नहीं। करू रख लो। मम्मी, ये पापा किस व्रत की बात कर रहे थे? पौष पूर्णिमा आ रही है ना, तो उस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और सुबह सवेरे 4 बजे उठ के जाके जमुना जी में डुबकी लगाती है। अरे पिंडू मम्मी आ जाओ, अंदर आ जाओ।
बैठे ना, मूंगफली खाएंगे? थोड़ा नमक मिलेगा, हमारे घर खत्म हो गया है। अरे हाँ मम्मी, पिंटू भाभी को भी व्रत रखना चाहिए ना ये वाला। हाँ पिंटू को तो रखना चाहिए व्रत। वैसे ये कौन से व्रत की बात कर रही हैं आप? भाभी ये जमुना जी का व्रत है, सुबह 4 बजे उठ के ना जमुना जी में डुबकी लगानी होती है पूरी श्रद्धा के साथ। लेकिन इतनी सर्दी है ना यहाँ दिल्ली में कि मैं तो रोंटे खड़े हो रहे सोच के। नहीं मम्मी अरे पिंटू तुमको तो व्रत करना चाहिए। हाँ अच्छा मैं नमक लेके आती हूँ। देखिए इलायची जी, हमें कोई व्रत नहीं रखना है। क्यों? ये जो जैसे प्यार नहीं करती आप? अरे प्यार से व्रत का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है भाभी। ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। तुमने बड़े शास्त्र पढ़ लिए, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। भाभी आपको व्रत रखना है कि नहीं? नहीं रखूंगी। ठीक है फिर मैं और सुनीता मिलकर ना आपकी टांगों की वैक्सिंग कर देंगे। अब नहीं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगी ना। ठीक है मूंगफली खाइए। क्या बात कर रहे हो तू, मेरे लिए व्रत रखने वाला है? थैंक्स यार। साले ये व्रत मैं रख नहीं रहा हूँ, मेरे से रखवाया जा रहा है, मेरी गर्दन पे वैक्सिंग की तलवार रख के, और उसका जिम्मेदार है तू। पागल पागल है क्या, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, कुछ भी बोलता है। अबे साले पंगे तो तू ही लेता ना उस इलायची से, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। अबे क्या हो गया तुझे, कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तुझे, थोड़ा सा नाटक करना है कर लेना, घूंघट के नीचे से ठूंस लियो यार पिंटू। बेटा जी वो वाला व्रत ना है। तो कौन सा व्रत है? इस व्रत में सुबह 4 बजे 1 साड़ी लपेट के जमुना जी के गोते लगाने पड़ते हैं। क्या बात कर रहा है यार? ओ यार इस सर्दी में मैं तो गर्म पानी से भी नहीं नहाता हूँ यार, वो मुझे ठंडे पानी से नहलाएगी यार। बेटा अगर मैं जमुना जी में नहाया ना तो ये देखना बिग निकल जाएगी। बिग निकल गई तो सोच लेना तेरा क्या होगा। धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, We will going in jail. अरे बस करना यार। हम इलायची जी से बात करते, कुछ सोचते हैं हम। बेटा सुनीता, नाइट्रोजन की तो बैंड बजने वाली है। जैसे जमुना जी में डुबकी लगाएगा ना, तो सारी दिल्ली की सर्दी ना उसे आके चिपक जाएगी, सच्ची। ओए सुन, हाइड्रोजन आया, तुझे फोन करती हूँ। हाँ बाय। अरे आ जाओ अंदर। आप ही आ जाइए ना प्लीज। अरे टीचर जी आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए ना, बाहर बहुत सर्दी है, अंदर हीटर जल रहा है, आइए आइए आप। ठीक है, मेरे और मेरी बीवी ने आपका क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है जालिम। क्या था? अब हमने सिर्फ यही कहा कि कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा है। तो फिर क्यों मेरे और मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई? ओ हेलो, किसने बोला कि मैं आप और आपकी बीवी के पीछे पड़ी हूँ, वो भी हाथ धोकर? अरे अरे क्या इलायची जी, व्रत रखने से क्या हो जाएगा? अरे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, इसलिए हम चाह रहे थे कि आपकी बीवी ये व्रत रखे, लेकिन नहीं, हमारी तो किसी को सुननी ही नहीं है ना, भलाई करना ही नहीं चाहिए, छोड़ो यार। इलायची जी हमारी दादी ने हमारे दादाजी के लिए ऐसे बहुत सारे व्रत रखे थे उनकी लंबी उम्र के लिए, लेकिन वो छोटी उम्र में ही निकल लिए, इसलिए हम इन व्रतों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ठीक है मैं भाभी की वैक्सीन कर दूंगी अब। व्रत का वैक्सीन से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तो फिर आप मेरी बीवी की वैक्सीन क्यों कराना चाहती हैं? क्योंकि मैं स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन करती हूँ, समझे आप? इस अभियान को रोका जा सकता है? अगर आपको गोलगप्पे खिलाने ले जाया जाए तो? हाँ फिर विचार किया जा सकता है जी चाची। ये गोलगप्पे ना पूरे चांदनी चौक के सबसे फेमस है, एक बार आओगे ना बार बार आओगे। जी जी बहुत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया, एक और दीजिए ना भैया। अरे मैं तो कहती हूँ
इसकी एक और भी खासियत है, बड़ी मस्ती खासियत। क्या खासियत है जी? अरे भाभी, जब कोई दूसरा ही गोलगप्पा खिलाता है ना, उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, मतलब और स्पेशल हो जाता है, मतलब क्या बताऊं मैं। अरे वाह, क्या बात। जीजा जी, एक हमें भी गोलगप्पा खिलाइए ना। देखिए रायची जी, हम आपको गोलगप्पे नहीं खिला सकते, सुनीता जी आपको खिला देंगे। हाँ, एक्सक्यूज मी जीजा जी, मेरे कहने का मतलब था कि जब एक लड़का लड़की को खिलाता है, और ये लड़का दिख रही है आपको, सुनीता लड़का दिख रही है। इलायची जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम अपनी बीवी के अलावा किसी और को अपने हाथों से नहीं खिलाते। मतलब हमारी पत्नी व्रता टाइप से? जी आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अबे खिला देना, क्यों पंगे ले रहा है? भाभी आप छोड़ो इनको, आप मुझे खिला दो। हाँ हाँ लो, अभी खिलाती। बुबू बुबू पीलू, बाय गॉड पानी पूरी का टेस्ट ना इतना अच्छा होगा, बता नहीं सकती मैं। क्या बात कर रही है, मतलब कहना क्या चाहिए सुन लूं? अरे यार, जब लड़का एक लड़की को खिलाता है तो इसका टेस्ट और बढ़ता है। हाँ। और भाभी भाभी मर्द थोड़ी है यार। पीलू मुझे सच्ची सच्ची OMG वाला यम्मी लग गया, ये बहुत ज्यादा अलग हो गया सच्ची में। तुम कहना क्या चाह रही है? मतलब भाभी औरत नहीं है, मर्द है। बोलो भाभी, मर्द हो आप है? नहीं नहीं, मैं मर्द हूँ। बुबू मर्द नहीं, मैं औरत हूँ, औरत हूँ। कुछ कर दो। ये लीजिए इलायची जी, आप गोलगप्पे खाइए ना हमारे हाथों से। जैसा कि आपने कहा था। जी जी, ये लीजिए। यार सुनू, मुझे तो लड़के ने खिलाया ना ये गोलगप्पा। टेस्ट में मतलब कुछ अलग सा नहीं लगा, मतलब कुछ स्पेशल नहीं लगा। हाँ, ये तो क्या कह रही, मतलब हाँ मतलब चीजें जी, आप मर्द नहीं है। नहीं 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 जी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको हमारी टांग खींचनी है तो खींच लीजिए, लेकिन हमें ये बता दीजिए क्या पिंटू जी को अभी भी ये व्रत रखना पड़ेगा? अरे छोड़ो, जाने दिया यार, जाओ, नहीं रखेंगे व्रत। लेकिन उससे पहले ना जरा एक प्यारा सा फील के साथ इलू सेल्फी। क्या बात कर रही है सुशीला, तेरा पति किसी और के साथ गुल खिला रहा है? ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, किसी भी उम्र में गुल खिला लेते हैं। ये इलायची के पापा भी कोई कम दूध के धुले हुए नहीं है। उस सन्नाटे में घी पीने वाली पार्टी है, वो तो मेरे डर से चुपचाप पड़े रहते हैं। चल सुशीला, मैं बाद में बात करती हूँ, तूफान मेल आ गई है। अच्छा, किससे बात कर रही थी? सुशीला। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से आ रही हो दोनों? मम्मी हमने गोलगप्पे खा के आ रहे हैं जी चाची और पिंटू भाभी के साथ। हाय हाय कमबख्तो, मेरे लिए भी दो तीन प्लेट ले आती। दो तीन प्लेट के ना पैसे नहीं थे हमारे पास। अरे तो उधार ले आती, सब लोग जानते हैं कि तुम मुरारी बंसल की लड़की है। यार सुनो ना मम्मी, बड़ी जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। अरे तो बोल ना, क्या बात है? वो ना आंटी जी, पिंटू भाभी जमुना जी का व्रत नहीं रखेंगे। व्रत तो रखना पड़ेगा। करो, तू व्रत रखेगी और वो पिंटू भी। क्यों, कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती है क्यों, तू नहीं चाहती कि तेरे बाप की लंबी उम्र हो? करो, तू व्रत रखेगी और तेरे साथ वो पिंटू भी रखेगी। भाई दोनों औरतें साथ में व्रत रख लो, और जाके पंचम से कह दे कि उसकी बीवी को व्रत रखना पड़ेगा, वरना मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। भाई तुझे भाई को मानना तो पड़ेगा, लड़कियों को गोलगप्पे खिलाकर तुझे बचा लिया, वरना इस भीषण सर्दी में तुझे जमुना में कूदना पड़ता बेटा। तो क्या चाहता है तू, तेरे पैर धो के पीऊं? हां बिल्कुल। जीजा जी छत पर है? उप्स, कहीं नवविवाहित जोड़े की गतिविधियों में बाधा तो नहीं डाल दी? नहीं नहीं इलायची जी, हमारे बीच में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं चल रही थी। ठीक है। भाभी। हाँ जी। आपके लिए ना एक बहुत बैड न्यूज है। हराम, कैसी बैड न्यूज? देखो भाभी, बैड न्यूज ये है कि आपको व्रत रखना पड़ेगा और जमुना जी में गोते भी लगाने पड़ेंगे।
इलायची जी, पर ये तो गलत बात है ना। आपने हमसे गोलगप्पे खिलाने के लिए कहा, हमने आपको गोलगप्पे खिला दिए, अब आपने वादे से ऐसे मुकर नहीं सकती ना इलायची जी। अरे मैं कहाँ मुकर रही हूँ, मैं नहीं मुकर रही हूँ, वो तो पापा की वजह से सब हो रहा है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि नहीं, अब तो मम्मी और भाभी को दोनों को साथ में व्रत रखना है। हाय राम, मुझे लगता है ना अब जमुना जी में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। देखो भाभी, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं ना एक आइडिया निकालती हूँ ना, ये जो बाहर टंकी है ना हमारी, उस टंकी में ना सुबह सुबह कूद जाना, डुबकी लगाना, नहाना, प्रैक्टिस करना, और देखना आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसे जमुना जी में गोते लगाओगी ना कि मजा आ जाएगा सबको। और देखो व्रत तो रखना पड़ेगा, है ना। चुपचाप भगवान का नाम ले, श्री राम बोल और घुस जा। यार बहुत ठंड लग रही है मुझे तो, पानी भी बहुत ठंडा है यार, मेरी तो बैंड बच जाएगी। अरे चलना यार, बड़ी जल्दी तुझे हो रखी, खुद ही कूद जा। भाई देख, प्रैक्टिस भी तो करनी है यार, चलना भाई। उठा पीछे से। हाँ चल चल चल। चल 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 चल, शाबाश शाबाश, डुबकी लगा डुबकी लगा। अरे बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत ठंडा पानी है। चल चल चल, एक दो तीन। नाश्ता कर ले पहले, नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, वो बाद में कर लियो। जी पापा। और क्या चल रहा है तेरे स्कूल में? स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, समझते नहीं हो। तुझे देख के लगता तो ना कि तेरे स्कूल में पढ़ाई चल रही होगी। अच्छा तो मुझे देख के क्या लग रहा है आपको? तुझे देख के ये लग रहा है कि तेरे स्कूल का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है फिर, यही सही, मतलब ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही होगा। अरे पास हो क्या, कब देगी तू मुझे, ये बता दे बस। पापा एस्ट्रोलॉजर हूँ क्या मैं? भविष्यवाणी थोड़ी करती हूँ, मुझे कैसे पता, मेरे पीछे पड़ गए, नन्ही सी जान के पीछे पड़ गए। सब्जी दू? जहर दे दे, सब्जी दू। वो तो मैंने बनाया नहीं, बाजार से मंगवा दू क्या? क्या बकरी है तू? अच्छा एक बात बताइयो, जब अस्पताल में ये पैदा भाई, तब क्या बच्चों की अदला बदली हो गई थी क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या नर्स के पीछे पीछे घूम रही थी? अरे मैं तो बेहोश पड़ी थी ना। यही यक्ष प्रश्न मेरे सामने राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहता है। पापा मानो ना मानो, बेटी तो मैं आपकी हूँ, और ये मैं नहीं जमाना कह रहा है, सच्ची बता रही हूँ। क्या 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 कह रहा है जमाना, क्या कह रहा है, बता बता, मुंह खोल, क्या कह रहा है जमाना? अरे यही कह रहा है पापा कि देखो लड़की कितनी चंट है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। क्यों मम्मी? सब्जी दू? अरे यार मोटा करके ही मानोगी, दे दो। ये पानी क्यों ना आ रहा है नलके में? अरे मुझे क्या पता, देखो ना कचरा वचरा फंसा होगा, जाके देखो ऊपर टाकी में। मैं देख के आती हूँ। अरे तू बैठी रहे, पहले 11वीं पास कर ले, पहले अंबर बनने की कोशिश मत कर, के मैं जाके देखती हूँ। चीजा जी, पापा ऊपर आ रहे टंकी देखने। चीजा जी जल्दी कर, जल्दी कर, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, जल्दी कर। अबे कैसे निकलूं, बिग निकल के पाइप में फंस गई है, और सारी भी पता नहीं कहां अटक गई है। यार तू मरवाएगा आज, निकल खींच। अरे ये भी ना, क्या क्या हो रहा है ये, मत कर मत कर। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुद रहे, क्या हो गया सेठ जी? अरे नलके में पानी ना आ रहा है। अच्छा, पता नहीं कुछ फंस गया है इसमें। सेठ जी आप चिंता मत करिए, हम साफ कर देंगे, आप जाइए सेठ जी। तू प्लम्बर है? नहीं सेठ जी। तो कैसे साफ करेगा? सेठ जी कुछ टंकी में अटक गया होगा, हम साफ कर देंगे। अरे तो मुझे देखने तो दे, क्या अटक गया है? अरे नहीं सेठ जी वो, अरे आप मुझे देखने। अरे सेठ जी कंकड़ कुंकड़ फंस गया, हम साफ कर देंगे। मैं जानता हूं ऊपर से बहुत कुछ कभी कभी आ जाता है। हम कर देंगे सेठ जी, पाइप की बात है। अरे रुक तो जा। क्या बात कर रहे, ताला का है, ताला सेठ जी, ताला ताला। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? रुक जा सेठ जी, क्या कर रहे हैं? अरे बहुत सेठ जी, सेठ जी उसका दम घुट जाएगा। सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? आप ताला मत लगाइए सेठ जी। अरे सेठ जी चाबी दे दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे समोसे तो खाइए दुर्गा जी। हाँ अभी खा लिया, ये सलाई पूरी हो जाए। हाँ तो जल्दी पूरा करके दे दीजिए ना दरोगा जी, वरना आपको हवालात में डाल देंगे। क्या हो गया सेठ जी? दरोगा जी आप क्यों आए यहाँ पे? आपको अरेस्ट करने आए भाई है? लेकिन मैंने क्या किया है सेठ जी? ये क्या बोल रहा हूँ,
कि एक बार जरा अच्छे से ध्यान से टंकी चेक कर लो, कहीं लाश आपकी टंकी में तो ही नहीं। अरे दरोगा जी, मेरी टंकी में लाश कौन रखेगा? साहब जी, ये देखिए नल से खून निकल रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.